चलिए पहला पार्ट हमें दिखाते हैं कि फंक्शन 11 है या नहीं है। 11 नहीं है ये प्रूव करना है, मतलब इंजेक्टिविटी चेक करनी है। तो इंजेक्टिविटी या यूं कह लें 11, हेडिंग डाल लीजिए आराम से साफ साफ दिखाने के लिए। तो हम लोग साफ देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू जो 2 पे है वो कितनी आएगी, 2/2 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ 2/5। अब f 1/2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, तो देख लीजिए 1/2/1/2 का स्क्वायर और प्लस 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/4। एलसीएम लेंगे 5 हो जाएगा बाई 4 और 4 ऊपर जाएगा कट के, ये भी 2/5 आ गया। तो क्या लिखेंगे, सिंस फंक्शन की वैल्यू जो 2 पे है और 1/2 पे इक्वल है, वेयर जो 2 है वो 1/2 के इक्वल तो है नहीं, इम्प्लाइज एफ इज नॉट इंजेक्टिव या यूं कह ले 1/1। तो ये एक चीज आपको प्रूफ हो गई। अब दिखाते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट, आते हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिविटी या यूं कह लें अनटू, इसी को कहते हैं अनटू। कैसे चेक करेंगे, तो देखिए फंक्शन कभी 1/2 के ऊपर अचीव नहीं कर पाएगा। लाइक हमने इसकी वैल्यू 1 ले ली, तो अगर हम ये कहते हैं कि x²/x²+1 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये लेट करेंगे तो ये हो जाएगा x=x²+1, मतलब x²-x+1=0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है आपका, b²-4ac विच इज -3 लेस देन 0 है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होने का मतलब x रियल नहीं है, है ना। इसका मतलब कि 1 कभी भी फंक्शन ऐसी कोई रियल वैल्यू x नहीं एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। इसका मतलब 1 का प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा, इम्प्लाइज 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट ठीक है फंक्शन की वैल्यू 1 कभी अचीव नहीं करी जाएगी। ठीक है, 1 कैन नॉट, 1 डज नॉट हैव प्री इमेज इम्प्लाइज जो फंक्शन f है इज नॉट ऑन टू। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया। थर्ड आपको क्या करना था, थर्ड आपको इसको f(g)x निकालना है। तो चलिए वो देखते हैं कैसे करते हैं। तो आपके इस पार्ट में दिया गया है कि आपको फॉग निकालना है, फॉग x है ना, तो f(g)x निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज f(g)x। तो जहाँ भी फंक्शन f की डेफिनेशन फॉलो करिए, जहाँ x है वहाँ पे g(x) रख दें, तो जहाँ x है f वाले में वो g(x) रख दें, तो क्या हो जाएगा आपका, g(x)/g(x) का होल स्क्वायर और प्लस 1। लेकिन g(x) की खुद डेफिनेशन क्या है, 2x-1, तो यहाँ पे क्या रख दिया जाए, g(x) की प्लेस पे 2x-1, ये हो जाएगा 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ये सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 2x-1/ ये ए स्क्वायर मतलब 4x² और -2ab मतलब -4x और प्लस b² मतलब 1, और 1 पहले से है तो प्लस का 2 हो गया। तो दैट इज़ योर फॉग एक्स। हम लोगों ने देखा कि फंक्शन को क्या किया, आपका इंजेक्टिव नहीं है ये प्रूफ किया। तो वहाँ पे हमने x की वैल्यू 1/2 और 2 पे फंक्शन की वैल्यू चेक कर ली। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि 2 और 1/2 पे ही देखना है ना। और इंजेक्टिव हमें सब्जेक्टिव दिखाने के लिए हमने कहा कि 1 ले लिया, कि 1 कभी भी फंक्शन अचीव नहीं कर पाएगा। फिर ये डाउट आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो 1 अचीव नहीं करेगा या 1 अचीव करेगा, ये आपको आइडिया कैसे लगेगी। ठीक है, तो ये जानने के लिए आप कि ये कैसे सोचा गया, आप नीचे लिंक दिया गया है वीडियो में, वहाँ आप क्लिक करके देख लीजिए वीडियो, वहाँ को आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि ये चीज़ें कैसे सोची जाती हैं।